अस्सलाम वालेकुम जी मेहरबान, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। तो जैसा कि कल की वीडियो में मैंने काइन मास्टर का पार्ट वन बनाया था, जिसमें बेसिक चीज़ें काइन मास्टर की मैं बता रहा हूँ कि अगर आप यूट्यूब पर न्यू हैं या वैसे आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं मोबाइल में, तो काइन मास्टर सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। इसका कोर्स का आगाज़ किया था मैंने, 4 से 5 वीडियो में मैं मुकम्मल काइन मास्टर कम्प्लीट करूँगा। तो सेकंड पार्ट शुरू होने से पहले अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, फर्स्ट पार्ट की वीडियो ऊपर स्क्रीन पे कॉर्नर पे आपको शो हो गई होगी उसका टाइटल, आप वहाँ पे क्लिक करके पहले फर्स्ट पार्ट देख लें ताकि आपको सेकंड पार्ट की सही समझ आ सके। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल सके। तो काइन मास्टर को ओपन किया और मैंने सोलानो की रेशो सेलेक्ट कर ली है। तो यहाँ पे जैसे मैंने कल बताया था कि हम लोगों ने हमेशा पीछे बैकग्राउंड लेके आना है, ये मैं एक छोटा सा बैकग्राउंड ले आता हूँ। तो हम कल बात कर रहे थे लेयर के बारे में, लेयर में मीडिया के बारे में मैंने आपको बता दिया था। मीडिया के बाद ऑप्शन है इफ़ेक्ट का, लेकिन इफ़ेक्ट लगाने से पहले हम कोई ना कोई मीडिया यहाँ पर ले आते हैं ताकि इफ़ेक्ट अप्लाई करना आसान हो जाए। तो मैं ये तस्वीर ले आया हूँ, ये तस्वीर है मेरे पास, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, साइड पे ले आते हैं जी। तो अव्वल तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हमने एडिट करना है, जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे इस जगह पे वो लेयर ओपन हो जाएगी। देखें अभी मैं अनक्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये गोल बॉक्स ओपन है, लेकिन जैसे ही मैं इसको किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे उसके रिलेटेड यहाँ पे सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। इन सेटिंग्स को एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले क्रॉप का ऑप्शन है, ठीक है, ट्रिम करने के लिए अगर आप लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से ट्रिम करना चाहते हैं। ट्रिम का मतलब ये होता है ट्रिम लेफ़्ट टू प्ले हेड, मतलब कि प्ले हेड से लेफ़्ट साइड से, और राइट टू प्ले हेड राइट साइड से, या स्प्लिट करना चाहते हैं प्ले हेड से दो हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं। ये कल भी मैंने बता दिया था, जैसे मैं इसे ट्रिम लेफ़्ट करता हूँ तो इधर वाली ये नीचे देख लें, इधर वाली वीडियो डिलीट होगी। इसको मैं अंडो कर लेता हूँ, ये देख लें ये नीचे फोटो है। ट्रिम राइट करता हूँ तो ये जो रेड लाइन है ना, रेड लाइन के राइट साइड वाली सारी सारा आपका ऑब्जेक्ट है, चाहे वो पिक्चर है, ऑडियो है, वीडियो है, कोई भी चीज़ है, वो डिलीट हो जाएगी। इसको मैं अंडो कर लेता हूँ, बैक जाते हैं। एनिमेशन का मैंने आपको बता दिया था, ओवरऑल एनिमेशन ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। तो अभी बात करते हैं इफ़ेक्ट की। अच्छा, इफेक्ट में जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे देखें, एक तो बेसिक इफेक्ट आ गया, एक कम्पोज्ड आ गया, वो मैंने मतलब के अपना डाउनलोड किया हुआ सब। जैसे ही आप लोग गेट मोर पे क्लिक करते हैं, इसके लिए आपका इंटरनेट कनेक्शन होना लाजमी। इंटरनेट कनेक्शन आपके पास नहीं है तो आपको यहाँ से इफेक्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है ना? ये अभी नेट की स्पीड स्लो है, इस वजह से थोड़ा टाइम लेगा। ये तो ये इफेक्ट ओपन हो गए हैं, आप यहाँ से कोई भी इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये आर्टिस्ट आ गया, नीचे ब्लॉग आ गया, ठीक है, कलर है। ब्लॉग का मतलब आप किसी चीज़ को ब्लॉग करना चाहते हैं, इसकी अक्सर हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना? ये जो ब्लॉग का है, ठीक है, यहाँ से हम एक ये ब्लॉग वाला मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ये ब्लॉग का आ गया, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है, ये डाउनलोड हो गया, इंस्टॉल हो गया। अभी बैक जाते हैं, नीचे देख लेते हैं, कलर इफेक्ट है, डायरेक्शन इफेक्ट है, ठीक है, ग्लिच है, लेंस हैं, ये कोई भी इफेक्ट जो जो आपको नॉइज़ इफेक्ट देख लें, जो इफेक्ट आपको पसंद है आप वो इफेक्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको ख़त्म करता हूँ, यहाँ से ये दो इफेक्ट हमने डाउनलोड कर लिए। इफेक्ट पे किस तरह जाना है, पिक्चर पे क्लिक करना, लेयर पे सो गई, यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे आ जाए, ठीक है। ये बेसिक इफेक्ट पहले से होते हैं, अभी हमने ये मास्क ब्लॉक किया है ना, ये ब्लॉक का ऑप्शन। ब्लॉक का ऑप्शन कब हम इस्तेमाल करते हैं, जब हम कोई ना कोई अपने ऑब्जेक्ट को किसी ना किसी हिस्से को ब्लॉक करना चाहते हैं। पहले मैं इसको स्क्रीन पे फिट कर लेता हूँ, ये मेरी स्क्रीन पे फिट हो गया। अभी लेयर पे जाते हैं, लेयर पे जाने के बाद आपने इफेक्ट पे आना है, तो यहाँ से मास्क ब्लॉक को हम लेते हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर लिया इसको, ठीक है। अच्छा, ये नीचे देख लें, ये जिस जगह पे मेरी रेड लाइन थी ना, उस जगह से इफेक्ट शुरू हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ ये शुरू से जो ना देखें, ये शुरू पे नहीं है। जैसे मैं इसको प्ले करता हूँ ये देख लें, शुरू पे इफेक्ट नहीं आगे जाके आ गया है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ये इधर जैसे आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं, मैंने कल भी बताया था, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अभी बैक स्टार्ट पे लेके जाते हैं, जैसे ही मैं अपने ऑब्जेक्ट के स्टार्ट पे आ गया हूँ, मैं लेयर पे आता हूँ, लेयर पे आके सॉरी मीडिया पे क्लिक करके लेयर पे आके इफेक्ट पे जाते हैं। इफेक्ट के जाने के बाद मास्क ब्लॉक पे जाके ओके कर देता हूँ मैं, ठीक है, ये मेरे मीडिया के हिसाब से आ गया इफेक्ट। अच्छा, अभी जैसे ही मैं इफेक्ट पे क्लिक करता हूँ
तो ये एक तो यहाँ से हम फैक्ट को पकड़ के छोटा बड़ा कर सकते हैं अपनी मर्जी से। मैं इस पे कोई एक खास चीज़ ऐड करना चाहता हूँ ना, मतलब मसाला मगर फ़ोन नंबर आ जाता है या कोई पर्सनल पिक्चर होती है जो हम लोग यूट्यूब की वीडियो पे नहीं दिखा सकते ना, ये उस चीज़ के लिए होगी चीज़, ये उस चीज़ के लिए अप्लाई होगा। जैसे ही मैं इसको देखे छोटा बड़ा करते हैं, मैं मसाला इतनी चीज़ यहाँ से लेके इतनी ऐड करना चाहता हूँ, तो इसको मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। ये चीज़ें हाइड हो गई, देखें अब जैसे ही वीडियो प्ले होती है ये चीज़ें यहाँ पे हाइड गएंगी, चीज़ें शो नहीं होगी। फैक्ट पे दोबारा क्लिक कर लेते हैं, यहाँ से हम देख लें ये, इसको आप कोई भी एनिमेशन देना चाहते हैं किस तरह एनिमेशन आए, लेकिन फैक्ट को हम लोग एनिमेशन नहीं देते, ये चीज़ याद रख लें मेरी हमेशा कि फैक्ट को कभी भी हमें एनिमेशन नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे ओवरऑल एनिमेशन और आउट एनिमेशन है, ये एनिमेशन ही है। अभी हम लोग सेटिंग में चले जाते हैं, सेटिंग पे आप इनको कम से ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखें इसकी शार्पनेस आप कम से कर सकते हैं, सेकंड कम कर सकते हैं, ये अपने हिसाब से, मतलब अगर आपका टेक्स्ट या 3 नीचे से दिखाई देती है तो आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी इस ऑब्जेक्ट के एक खास खास टाइम पे ये इफेक्ट आए, उसके बाद ख़त्म हो जाए, ये इस जगह पे मेरा इफेक्ट है, मैं फिर इसको क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इतनी देरी के लिए इफेक्ट आए, बाद में ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमारी वीडियो लंबी होती है तो इफेक्ट पूरी वीडियो पे तो नहीं हम ला सकते। तो जैसे ही मैं देखें ये यहाँ पे आ गया, वीडियो को प्ले करता हूँ, जैसे ही इफेक्ट से बैग जाएगी यहाँ से इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इफेक्ट के बारे में पढ़ लिया, इसको हम डिलीट कर देते हैं, लेयर पर जाएँ। अभी ओवरले है, ओवरले में बहुत सारी चीज़ें हैं, ये मैंने ओवरलेज डाउनलोड की हुई हैं, ठीक है। आप गेट मोर पे क्लिक करके यहाँ से नई ओवरलेज भी डाउनलोड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक, जो भी आपको पसंद है यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं किसी भी किस्म की। मैंने जो डाउनलोड की हुई है मैं सिर्फ उन्हीं पर काम करके आपको दिखाऊंगा। अभी ये लेज़र लाइट वाली ओवरले पे मिसाल आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं ये वाली लेज़र लाइट लेता हूँ, ठीक है, ओके कर देता हूँ इसको। तो जैसे मैं ये वीडियो प्ले करूँगा ये देख लें, ये लेज़र लाइट स्क्रीन पर शो हो गई है, और जैसे ही ये ख़त्म होगी ये देखें मेरा ऑब्जेक्ट ख़त्म हो गया, लेज़र लाइट भी ख़त्म हो गई, ठीक है। तो अगर मैं इसको बड़ा ज़्यादा करना चाहता हूँ, मसाल के वीडियो के एंड तक लेके जाना चाहता हूँ, मैं इसको उठा के एंड तक ले जा सकता हूँ। उसके अलावा जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे वही इन एनिमेशन आउट एनिमेशन जो चीज़ें पहले भी बता चुका हूँ, ये सेम वही चीज़ें हैं, आप इनको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे ब्लेंडिंग का ऑप्शन है ना, एक ब्लेंडिंग देख लें इसकी ओपेसिटी क्या होनी चाहिए। जैसे मैं इसको कम करता हूँ देखें लेज़र लाइट ख़त्म हो गई है, इसको बढ़ाता जाता हूँ तो आस्ता आस्ता जो लेज़र लाइट आती जाएगी। तो अभी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसके अलावा मैं आपको और कोई ओवरले ला के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं ओवरले पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं हम स्पॉटलाइट में आ जाते हैं, ये स्पॉटलाइट्स आ गई हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियो एडिटिंग में अगर आप अपना इंटरव्यू बना गए ना, इंटरव्यू की वीडियो बना गए हैं तो ये आपके बहुत काम आएंगी। मैं ये वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से एक दफ़ा इसको इंटरव्यू करते हैं, स्टार्ट से लेके आते हैं हम लेयर पे जाते हैं, यहाँ पे आके मैं स्पॉट लाइट में आता हूँ, ये वाली लाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके ठीक है, ये लाइट आ गई। तो अब क्या है ये दरमियान में आ गई, देख लें। अब इसे हम छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो इसको आप पकड़ के अपने हिसाब से जितना मर्जी कर सकते हैं। और जैसे ही मैं इसको प्ले करूँगा जी, इस तरह देखें लाइट ब्लिंक हो गई है ना, ये देख लें इस तरह ब्लिंक हो गया। जैसे ही ये ख़त्म होगा हमारा ऑब्जेक्ट तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसको आप खींच के छोटा बड़ा कर सकते हैं जो मैंने पहले भी बताया, क्योंकि अपने हिसाब से ये देख लें मेरा ऊपर से एक ऑब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा, दूसरा ऑब्जेक्ट अगर आप लगाएंगे वो भी आप शुरू कर सकते हो, ये आपकी लेज़र लाइट वाली इसी तरह चलती रहेगी यहाँ तक आपको आप इसकी सेटिंग करेंगे। अभी इसके वही सेम चीज़ें इन एनिमेशन आउट एनिमेशन, और वही सेम चीज़ ब्लेंडिंग, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ओवरले कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसकी ओपेसिटी आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसके बारे में मज़ीद आपको समझ आ गई होगी। अभी आ जाते हैं हम टैक्स पे, टैक्स क्या चीज़ है लेयर में, टैक्स पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप कोई भी चीज़ लिख लें, मैं लिखता हूँ माई, यहाँ पे मैं चैनल का नाम लिख देता हूँ जी लोग, ठीक है, जी लोग लिख लिया मैंने। तो ये छोटा सा आया टैक्स, इसको पकड़ के हम बड़ा कर सकते हैं, मैं इसको उठा के आगे ले जाता हूँ ऑब्जेक्ट से, ताकि ये ऑब्जेक्ट के ऊपर वाजह नज़र नहीं आता, इस तरह वाजह नज़र आ जाएगा। अच्छा, जैसे टैक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने वाली, सबसे पहले ये टैक्स की आप कोई भी टैक्स यहाँ से इसको यानी कि फ़ॉन्ट कोई भी दे सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से डाउनलोड भी कर सकते हैं, मैं ये वाला फ़ॉन्ट दे रहा हूँ इसको, ठीक है। उसके बाद ये सॉरी टैक्स के बाद, उसके बाद ये ऑप्शन है, इसके ऑप्शन का मतलब है कि कलर आपने कौन सा देना है, आप यहाँ से कोई भी कलर इसको दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं इसको पिंक कलर दे देता हूँ,
ये दिलों का आ गया। अच्छा, टेक्स्ट का एनिमेशन, इन एनिमेशन, इस चीज़ में आपको एनिमेशन की मुकम्मल समझ आ जाएगी अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देख लेंगे। इन एनिमेशन का मतलब होता है, मैंने पहले भी बताया कि आपका जैसे ही टेक्स्ट आएगा तो उसका एनिमेशन किस तरह होगा, ठीक है ना। जैसे ही टेक्स्ट आएगा मैं टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, इन एनिमेशन में इसको दे देता हूँ स्लाइड लेफ्ट, मतलब कि ये स्लाइड राइट करता हूँ ना मैं इसको, स्लाइड राइट, राइट साइड से आएगा। ओके ठीक है, अभी दोबारा क्लिक करता हूँ। इसके बाद इसका आउट एनिमेशन, आउट एनिमेशन मतलब ये ख़त्म होने लगा हो तो ये किस तरफ जाए, तो मैं इसको स्लाइड लेफ्ट कर देता हूँ, मतलब राइट साइड से आए और लेफ्ट साइड से चला जाए। तो जैसे ही मैं अपने प्लेलिस्ट को प्ले करता हूँ, देख लीजिए राइट साइड से आ गया और वापस लेफ्ट साइड पे, अपनी लेफ्ट साइड पे जाएगा जैसे ख़त्म होगा। अच्छा, तो अभी इन एनिमेशन को मैं ख़त्म कर देता हूँ एक दफ़ा, आपको समझाने के लिए ऑन कर दिया मैंने, और आउट एनिमेशन को भी मैं नॉन कर देता हूँ। तो बैक जाते हैं अभी ओवरऑल एनिमेशन, ओवरऑल एनिमेशन का मुकम्मल मतलब कि जब तक हमारा ये टेक्स्ट सामने स्क्रीन पे शो हो उस वक्त तक इस पे क्या एनिमेशन अप्लाई हो। ब्लिंक शो है मतलब ये इस तरह ब्लिंक करता गया, फ्लिकर करता गया, इस तरह मैं फ्लिकर कर लेता हूँ एक मिसाल है। तो मैं दोबारा इसको प्ले करके आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैं इसको प्ले करता हूँ ये मेरा टेक्स्ट आता है, ये फ्लिकर कर गया, देख लें आपके सामने है। अभी इसको पुश कर लेते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मेरा ख्याल है वीडियो ख़त्म करनी चाहिए। आउट एनिमेशन का बता दिया, अल्फ़ा ओपिसिटी है, आप इसकी ओपिसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, ठीक है ये कम होगी, देख लें आपके सामने। ब्लेंडिंग है वही चीज़ है जो मैंने पहले बताई, आप इसकी ब्लेंडिंग ज़्यादा कम कर सकते हैं उसी तरह। उसके बाद ब्लेंडिंग से नीचे हम लोग चले जाएँ, आप अपने टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं, जिस तरह देख लें रोटेट होगा, ठीक है। रोटेट के बाद आउटलाइन, आप इसको किस तरह की देना चाहते हैं, एनेबल करेंगे तो आउटलाइन एनेबल हो जाएगी। और इसके बाद इसको मैं फुल कर देता हूँ, ब्लैक कलर को मैं सिलेक्ट करके जहाँ पे इसको व्हाइट कलर कर देता हूँ ताकि आपको वादा नज़र आ जाए, ठीक ठीक है जी, वादा नज़र आ गया। अब इसको आप अपने लिहाज से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब कि मैं इसको यहाँ पे 15 पे रखता हूँ तो ये प्यारा लग गया, आपने अपने हिसाब से देख लेना ना आपने इसकी आउटलाइन कितनी लेके आनी है, कितनी आउटलाइन पर आप इसको रखना चाहते हैं, ठीक है। आप इसका शेडो देख लें, शेडो को एनेबल करके जहाँ से शेडो का कलर आप ले लें, कलर मैं रेड ले लेता हूँ ताकि आपको वाजह नज़र आ जाए, ठीक है। ये पीछे शेडो शो होगा अगर आपको नज़र आ रहा होगा हल्का हल्का, तो इसको सेलेक्ट कर देते हैं। शेडो के बाद हम नीचे जाते हैं, ग्लो, ग्लो का मतलब होता है चमकना, जिस किस तरह का ये ग्लो करे, ये देखें जैसे मैं इसको येलो को ज़्यादा करता हूँ ग्लो को, ये ग्लो हो गया पिछली साइड से ना, मतलब चमक हो गया, जिस तरह बल्ब जगता है ना जलता है उस तरह ये ग्लो हो गया, ठीक है। ग्लो के बाद अगर हम लोग देख लें यहाँ पे आ जाएँ, तो मैं दोबारा इस पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर, आप इसके बैकग्राउंड को क्या कलर देना चाहते हैं, यहाँ पे कोई भी कलर नहीं है, मैं इसको ब्लू कलर दे देता हूँ, तो ये इसके बैकग्राउंड पे कलर आ गया। ये आपने अपने हिसाब से जिस तरह का आप ऑब्जेक्ट बना गए हैं उस तरह का बना सकते हैं आप किसी भी किस्म का। अभी ये देख लें, जैसे ही मैं इसको प्ले करता हूँ अपनी प्ले लिस्ट को, तो ये देख लें ये टैक्स इस तरह चल गए। तो इंशाल्लाह अगली एक क्लास होगी, उस क्लास में मैं मुकम्मल जो बाकी चीज़ें छोटी मोटी रह गई हैं वो क्लियर कर दूंगा। उसके बाद एक ग्रीन स्क्रीन की एक क्लास होगी, उसके बाद हम इंशाल्लाह काइन मास्टर मुकम्मल हो जाएगा। अगर आपकी आपको आज की वीडियो के बारे में कोई भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो अभी आप ये स्क्रीन के ऊपर दोबारा शो होगा, वीडियो के एंड पे भी पार्ट 1 इसका शो हो जाएगा, आप वहाँ पे जाके पार्ट 1 भी देख सकते हैं ताकि आपके लब में मसीद इजाफा हो सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।